फॉर्म 45 और 47 में तजादाद है, मेरे हलके में 4000 वोट मुस्तरद किए गए, इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहते हैं। मेहरबानों कुरैशी कहती है इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दिया, उम्मीद है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। धांधली नहीं नाम दे रहे, ये धांधली नहीं हुई, हमें अभी भी उम्मीद है कि हमें पाकिस्तान के कानून के तहत और इन अदालतों से और इन इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलेगा। आपके सामने है कि हम इसको धांधली नहीं नाम दे रहे, ये धांधली नहीं हुई है इलेक्शन में, डाका डाला गया है अवाम के मैंडेट पर, और इस हाईजैकिंग के खिलाफ हम आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपने फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पर लेकर। हमारे जो ग्राउंड है वो बहुत ही सिंपल है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तजाद है। फॉर्म 45 एक हतमी रिजल्ट होता है पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 45 की जमा है वो फॉर्म 47 बनता है, उनमें तजाद हो नहीं सकता। जो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन एक्ट के अपने कवानीन है उनके तहत आरओ के पास मुस्तरद वोट करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अगर फॉर्म 45 पर, जैसे कि मेरे हलके में सिर्फ 4000 रिजेक्टेड वोट था, तैमूर साहब के हलके में भी इसी तरह बहुत कम रिजेक्टेड वोट था, मगर फॉर्म 47 में इनके हलके में 13000 रिजेक्ट हो गए, मेरे हलके में 16500 वोट रिजेक्ट हो गए, तो किस अथॉरिटी के तहत आरओ साहब ने रिजेक्ट किए? उनके पास तो वोट आता ही नहीं है खुलने के लिए, वो रिजेक्टेड वोट्स को देख सकते हैं कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है, रिजेक्टेड वोट कम हो सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता। तो हम ये जवाब चाहते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि ये एक इलीगल कार्रवाई हुई है इन वायलेशन ऑफ द वेरी एक्ट ऑफ द इलेक्शन एक्ट।